पूर्व मंत्री तिलकराज विहड़ ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि क्रांति पार्क बचाएगी कांग्रेस सरकार। प्रदेश के शिक्षा, खेल व युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने रुद्रपुर में किया रोटी बैंक का शुभारंभ। पंतनगर सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी और कस्टम सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स हापुड़ के तत्वाधान में जीएसटी कार्यशाला का किया गया आयोजन। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री तिलकराज बेहर ने रुद्रपुर स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता कर कहा कि रुद्रपुर के एकमात्र गांधी पार्क को भाजपा बेचने की साजिश कर रही है, जिसे किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। कहा कि भाजपा नेता गांधी पार्क को खुर्दबुर्द करने के लिए जो मंसूबे बना रही है वो बेहद ही निंदनीय है। गांधी पार्क बचाने के लिए वह भूख हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बेहड़ ने कहा कि उन्हें एक समाचार पत्र के माध्यम से मालूम हुआ कि रुद्रपुर क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी में विगत दिनों शहर के एक होटल में बैठक हुई थी, जिसमें शहर के विकास के लिए 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। कहा कि बैठक के 7वें एवं 8वें बिंदु पर शहर में बचे मात्र एक पार्क गांधी पार्क के अंदर भूमिगत पार्किंग व उसके ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की सहमति बनाई गई। बेहड़ ने कहा कि रुद्रपुर शहर के अंदर बीचों बीच एक ही बड़ा पार्क बचा है, जहां सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं। पार्क में नगर के लोग घूमने के लिए भी आते हैं। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में भी छोटे बड़े कार्यक्रम गांधी पार्क के अंतर्गत होते हैं। मैं आज बड़ा हैरान हूँ कि क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता में मीटिंग हो एक होटल में, उसमें स्थानीय पार्षद भी हों गांधी पार्क क्षेत्र के, व्यापार मंडल के भी कुछ पदाधिकारी हों, और वो ये तय करेंगे कि अस्तित्व ख़त्म किया जाए, उसके अंदर पार्किंग बनाई जाए ग्राउंड में नीचे और ऊपर जो है कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो ये समाचार पत्र में ही छपा है, अमर उजाला में मैंने खुद पढ़ा, उसमें 7वां और 8वां 8 बिंदुओं पर सहमति, 2 बिंदु आपत्तिजनक हैं और हम किसी भी सूरत में इसके अस्तित्व के साथ इसके गांधी पार्क को उंगली भी किसी को नहीं लगाने देंगे। डेवलपमेंट के अलावा करें, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल प्रतिभाएं, आपके ट्रेड फेयर, चाहे वो समाचार पत्रों के हों, चाहे वो उद्योगपतियों के हों, सारे हमेशा साल भर उसके अंदर कार्यक्रम चलता है, चाहे लोहड़ी मेला हो, चाहे बैसाखी मेला हो। आज उस पार्क को ख़त्म करने की इन्होंने कैसे हिम्मत दिखाई है, कैसे इन्होंने इस पर सहमति दी है, मुझे बहुत हैरानगी हो रही है। और ये अच्छे दिनों की शुरुआत है, डबल इंजन की सरकार आई है प्रदेश के अंदर, तो मुझे लगता है कि अभी गांधी पार्क क्या, मुझे लगता है ये पता नहीं क्या क्या करेंगे। प्रदेश के शिक्षा, खेल व युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने रुद्रपुर की सिंह कॉलोनी में आदर्श लोक सेवा समिति द्वारा स्थापित रोटी बैंक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, रोटी बैंक के खुल जाने से गरीब एवं बेसहारा लोगों के उत्थान के लिए सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री का नारा भूख से कोई न मरे, यह सार्थक होगा। उन्होंने कहा, भूखों को खाना खिलाना समाज में सबसे पुण्य कार्य माना जाता है। उन्होंने कहा, भूखों को खाना मिले इसके लिए समाज से अन्य लोग भी बाहर निकल कर गरीबों व असहाय लोगों की मदद करें। समिति के अध्यक्ष यशपाल घई ने कहा कि रुद्रपुर में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। गरीब, लाचार, बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों के लिए यह पहल शुरू की गई है। साथ ही अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षा की दिशा में भी गरीबों के बच्चों के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जा सके। गरीबों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, आज के विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके उत्थान के लिए उद्योगपतियों से मैं झोली फैला के भीख मांगने आया हूँ कि उन्हें गरीब बच्चों के लिए फर्नीचर देना है,
कंप्यूटर चाहिए, किताबें चाहिए, ठीक समय पर मास्टर पहुँचे, उन बच्चों को टट्टी पेशाब जाने के लिए अच्छे शौचालय मिले, उस काम के उद्घाटन के लिए आया, उस काम को झोली फैलाए कुछ उद्योगपतियों से मांगने आया हूँ, और उन्होंने आने से पहले मुझे सौगात दे दिया है, तो उनका धन्यवाद देने आया था मैं। लेकिन उसके साथ साथ आज ये कार्यक्रम मुझे मिला, हमारे बड़े भाई यशपाल घई जी जो संघ के स्वयंसेवक हैं, बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक हैं, कहीं बाहर गए वो विषय अलग है, लेकिन इनकी खुद की संवेदना है कि हम आज समर्थ्यमान हैं तो हमको गरीबों के बच्चों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए भूख की वजह से कोई ना मरे, ये मोदी जी का सपना है, उसके तहत इन्होंने काम किया, मैं इनको बधाई देता हूँ और इस अच्छे काम को शुभारंभ करने। पंतनगर सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी और कस्टम सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स हापुड़ के तत्वाधान में जीएसटी पर कार्यशाला का आयोजन रुद्रपुर के उद्योग भवन में किया गया। कार्यशाला में पंतनगर सिडकुल के उद्योग बंधुओं को हापुड़ से पहुंचे कमिश्नर शशांक यादव ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण से जीएसटी में आवेदन से लेकर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने तक की पूरी विधि बताई। बताया कि जो उद्योग बंधुओं वैट में रजिस्टर्ड हैं उन्हें जीएसटी गुड्स एवं सर्विस टैक्स नेटवर्क में पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए उद्योग बंधुओं को जीएसटीएन की साइट में ऑनलाइन प्रारूप में सूचना देनी होगी। इसमें ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पैन नंबर भरना होगा। इसका प्रिंटआउट जमा कराना होगा। प्रिंटआउट की जाँच के बाद सही पाए जाने पर उद्योग बंधुओं का रजिस्ट्रेशन स्वतः ही जीएसटी में कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उद्योग बंधुओं को जीएसटी नंबर मिल जाएगा। आज सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जीएसटी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सरकार जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने जा रही है और अभी तक हम में से कई लोग पूरी तरह से इससे अवगत नहीं हैं। इसी कारण इस तरह का सेमिनार आयोजित किया गया है जिसमें श्री शशांक यादव जी डिप्टी कमिश्नर कमिश्नरेट ऑफिस हापुड़ से आए हैं तथा इसके साथ साथ हमारे आसपास के समस्त अधिकारी इसमें पूर्ण रूप से हिस्सा ले रहे हैं और विस्तार से जीएसटी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई समस्याएं उत्पन्न न हो। कार्यशाला में समस्त इंडस्ट्री के लोग हैं, सिडकुल एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के सदस्य, और हम लोगों ने उन्हें भी आयोजित किया है जो आमंत्रित किया है जो हमारे यहाँ के सदस्य नहीं है, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो जीएसटी से के संबंध में। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के मकसद से रुद्रपुर के जेपीएस स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को विशेषज्ञों ने टूही, विमान, ड्रोन व पेट्रोल चलित वायुयान के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ाने के लिए वायुयान निर्माण की बारीकियां बताई। जानकारों ने मौके पर ही ईंधन व बैटरी चलित हेलीकॉप्टर, ड्रोन और वायुयान को असेंबल कर उनके प्रयोग विधि का ज्ञान भी दिया। जेपीएस स्कूल के प्रधानाचार्य यशपाल शर्मा ने बताया, एरो मॉडलिंग वो एक सशक्त माध्यम है जो बच्चे या युवा पायलट को करियर के रूप में लेना चाहते हैं। वो एरो मॉडलिंग के जरिए इसकी तकनीक बारीकियों की जानकारी हासिल करके सफलता की राह आसान कर सकते हैं। करियर के रूप में चुनने से पहले उन्हें इससे जुड़ी तकनीकी बारीकियों की जानकारी हासिल करने के लिए समर्पित होकर सीखने की ज़रूरत है, तभी वो लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। इसका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है और जेसीस पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि उन बच्चों को उन सब चीज़ों की जानकारी हो जो दिल्ली, बॉम्बे या किसी दूसरे देश के बच्चों को होती है। इसके लिए हमारे जो विद्यालय के प्रबंधन समिति है उसके महासचिव श्री सुरजीत सिंह ग्रोवर जी लगातार हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूल के लिए नए नए कार्यक्रम लाते हैं, जिससे कि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में जब स्कूल बंद हैं तो सीखने के पर्याप्त अवसर मिले और उनकी पर्सनैलिटी का विकास हो सके। उधम सिंह नगर जिले के नवागंतुक मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कार्यभार संभालने के बाद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने की बात कही है। उन्होंने कहा, स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए 8 टीमें बना दी गई हैं। यह टीमें स्कूलों में छापामार कार्यवाही करेंगी और चेकिंग के बाद अगर कोई अनियमितता मिली तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
स्कूल खुलते ही फीस मनमानी और स्कूल ड्रेस में धांधली की खबरें सामने आती हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने एक नई कवायद शुरू की है। यदि कोई स्कूल पर मैनेजमेंट बच्चों का शोषण करता है या फिर मनमानी फीस वसूलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 8 टीमों का गठन किया है, जिसमें प्रत्येक टीम को स्कूल भी बांट दिए गए हैं। ये टीम न सिर्फ स्कूल के मानक देखेंगे बल्कि फीस रजिस्टर के साथ अन्य दस्तावेजों की जाँच भी करेंगे। यदि कोई भी कमी या अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और चार्ज लेने के पश्चात जो पहली मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम देखी, इसमें जुलन जो समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है प्राइवेट स्कूल्स में री एडमिशन के नाम पर या कौशल मनी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। और ये वसूली बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें हमारी सरकार ने शासनादेश निकाला हुआ है कि प्रदेश में कोई भी प्राइवेट स्कूल, चाहे वो CBSE से संबद्ध हो या SSC बोर्ड से हो या हमारे खुद के उत्तराखंड से हो, इसमें किसी प्रकार की इस तरह की फीस नहीं ली जाएगी। यदि कोई लेता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके लिए हमने 8 टीमें पूरे ज़िले में हमने बना दी हैं और इसमें 3 दिन 4-4 लोग, किसी में 3 अधिकारी, किसी में 4 अधिकारी रखे हुए हैं और लगातार निगरानी रखेंगे प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर। यदि किसी भी गार्जियन को कोई भी शिकायत करनी हो तो डायरेक्ट मुझसे भी शिकायत कर सकता है, अपने खंड कार्यालय में लिखित रूप से या मौखिक रूप से शिकायतें कर सकता है और उसकी शिकायत पर अविलंब कार्रवाई की जाए। बिना किसी विलंब के कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा मुझे। शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं, आइदर उनके GPF प्रकरण हैं या उनके पेंशन प्रकरण हैं या उनके अन्य किसी तरह के प्रकरण हैं, तो 3 दिन से ज़्यादा किसी भी कार्यालय में न रहे। यदि मुझे कहीं भी 3 दिन ज़्यादा किसी भी कार्यालय मिलेंगे तो मुझे उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।